सिक्स पोल 50 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, रनिंग ऑन फुल लोड डेवलप्स ए यूजफुल टॉर्क ऑफ 160 न्यूटन मीटर, राइट। यानी ये 160 न्यूटन मीटर यूजफुल टॉर्क दे रहा है एंड द रोटर ईएमएफ इज ऑब्जर्व टू मेक 120 साइकिल्स पर मिनट। अब देखिए जो रोटर का ईएमएफ है वो 120 साइकिल्स पर मिनट, इसका मतलब अगर हमें इसको पर सेकंड निकालना होगा तो 120 साइकिल्स पर सेकंड तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो 120 बाय 60 साइकिल्स पर सेकंड, और साइकिल पर सेकंड क्या होता है, हर्ट्ज, यानी कि रोटर की जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है। अच्छा, कैलकुलेट द नेट मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। अच्छा, इफ द टॉर्क लॉस इन विंडेज एंड फ्रिक्शन इज 12 न्यूटन मीटर फाइंड द कॉपर लॉस इन द रोटर वाइंडिंग द इनपुट टू द मोटर एंड एफिशिएंसी। यानी कि सबको मिक्स कर दिया है और एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम आपके सामने है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। है बहुत सिंपल, जैसे पहले ये पावर फ्लो डायग्राम बना देता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये स्टेटर है, ये मान लीजिए हमारा रोटर है, राइट। तो इसमें जो यूजफुल टॉर्क है यानी कि टी शाफ्ट वो दिया हुआ है, टी लॉस्ट इन फ्रिक्शन विंडेज वो भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो कितना दे रखा है टी शाफ्ट, तो टी शाफ्ट इज यूजफुल टॉर्क ऑफ 160 और टी लॉस्ट कितना दे रखा है 12, करेक्ट। तो क्योंकि ये डायग्राम देखते ही आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं, 160 न्यूटन मीटर और ये दे रखा है 12 न्यूटन मीटर, राइट। तो ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो सीधी सी बात है जब ये दोनों गिवन है तो क्या हम डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते टी डेवलप्ड। हाँ जी सर, इन दोनों को सम कर दीजिए तो यही तो होगा, तो कितना हो जाएगा 172 न्यूटन मीटर। तो अब अगर यहाँ पे स्पीड आ जाए तो हमें टी इंटू 2πn/60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी डेवलप्ड भी आ जाएगा, राइट। पी डेवलप्ड क्या हो जाएगा, टी डेवलप्ड इंटू 2πn/60, राइट। तो अब वो स्पीड या ns कैसे आएगा, कहाँ से आएगा वो ज़रा देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 120 साइकिल पर मिनट है, करेक्ट, और 50 हर्ट्ज की मशीन है सिक्स पोल की। तो यहां लिख लेते हैं सिक्स पोल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई 50 हर्ट्ज है और रोटर फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, दैट इज 120/60 साइकिल्स पर सेकंड, और साइकिल पर सेकंड क्या होता है हर्ट्ज, राइट। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी 120/60 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज, राइट। तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी आ गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो स्लिप कितना हो जाएगा, तो वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस जो मैंने डिराइव किया था। तो अब 2 इज इक्वल टू एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो एस इज इक्वल टू 2/50, तो कितना हो गया 1/25 यानी 0.04। तो जब ये हमें पता चल चुका है तो अब इजीली हम अपना एन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एन एस कितना होगा, 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 डिवाइडेड बाय पोल कितना है, सिक्स पोल की मशीन है तो सिक्स पोल मशीन है यानी 1000 आरपीएम। अच्छा, और एन कितना हो जाएगा, तो 1-0.04 इंटू क्या लिख सकते हैं 1000, है ना, 1000। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा एन की वैल्यू 960, करेक्ट। तो ये आ जाता है 960 आरपीएम, करेक्ट। तो ये n आ चुका है, तो अब अगर यहां पे हम लिख दें यानी n हमारा आ गया 960 आरपीएम, तो t डेवलप्ड 172 इंटू 2π इंटू 960 डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट। तो फाइनली ये वैल्यू कितना आ जाता है, तो दिस वैल्यू विल बी 172.91 न्यूटन मीटर और 17.291 किलो न्यूटन, ठीक है, 172.91.32 यही आएगा। अच्छा,
तो अब जब एक बार ये आ गया और स्लिप आ गया है ना, यहाँ का पावर यानी पी डेवलप्ड भी आ चुका है, स्लिप भी आ चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है पी जी इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स पी जी, करेक्ट। और पी मैकेनिकल डेवलप्ड अगर रखें तो 1 माइनस एस टाइम्स पी जी, करेक्ट। तो अगर पी जी यहाँ से निकालें या हमें मैकेनिकल डेवलप्ड पता है तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेसिकली, या एक काम करते हैं इसको रोटर कॉपर लॉस निकालना है ना, रेजियो ले लेते हैं दोनों का, तो पी जी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इधर से, P रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S by 1 माइनस S इंटू पी मैकेनिकल डेवलप्ड, राइट, यही होगा। तो अब अगर ये होता है तो आगे बढ़ते हैं जरा, फाइनली ये कितना है 0.04 अपॉन 1 माइनस 0.04 इंटू 17, कितना था ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड 17291.32 291.32, राइट, व्हाट। तो फाइनली ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रोटर कॉपर लॉस कितना आ जाएगा 720.47, करेक्ट, 720.47, राइट। अब जब रोटर कॉपर लॉस आ गया, पी मैकेनिकल डेवलप्ड है, तो डायरेक्ट हम दोनों का सम कर दें तब भी डायरेक्ट वो आ जाएगा, जो हमारा रोटर इनपुट है पी जी। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं, पी जी इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दे पी मैकेनिकल डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू 1 माइनस एस पी जी, ऑलरेडी हम जानते हैं, तो यहां से पी जी क्या आ जाएगा, पी मैकेनिकल डेवलप्ड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, अदरवाइज इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे तब भी आएगा, करेक्ट। तो आपको जो भी ठीक लगे, 291.32 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.04, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जब हम ये डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 18011.7, करेक्ट। तो दिस इज 180, कितना आया 18011.7, करेक्ट। और डायरेक्टली अगर हम ऐड करेंगे तो भी हम इतना ही पाएंगे, ठीक है। तो रोटर कॉपर लॉस आ गया, पीजी आ गया, करेक्ट। अब आगे क्या क्वेश्चन में दे रखा है जरा देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द टॉर्क लॉस इन, ये हो गया यूज, फाइंड द कॉपर लॉस इन द रोटर वाइंडिंग, द इनपुट टू द मोटर एंड एफिशिएंसी गिवन देयर द स्टेटर लॉस, ओके। तो जब हम पीजी निकाल चुके हैं, स्टेटर लॉस गिवन है, तो इनपुट आ जाएगा, और आउटपुट और इनपुट पता है तो एफिशिएंसी आ जाएगी, करेक्ट। तो 200 वाट है हमारा स्टेटर लॉसेस, आउटपुट इसका कितना निकाला था हमने, आउटपुट विल बी बेसिकली दिस टॉर्क इनटू 2 पाई एन बाय 60, करेक्ट। तो यहां से अगर हम ये आउटपुट निकालना चाहें तो बेसिकली 160 इनटू 2 पाई और n, स्पीड कितनी आई थी 960, तो 960 अपॉन 2 पाई n बाय 60, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करिए, 160 इंटू 2 पाई इंटू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16084.95, करेक्ट, 0.95,
वाट। तो ये हमारा आउटपुट है, ओके। और इनपुट, तो इनपुट में स्टेटर का जो हमारा लॉसेस था कितना, 200 वाट था ना, स्टेटर के लॉसेस कितने हैं 200 वाट, वो हम ऐड कर देंगे 16084.95, राइट। तो हम यहां से देखते हैं, ये आ गया हमारा PG। तो अगर देखें इनपुट पावर, तो क्या लिख सकते हैं, PG प्लस जो भी स्टेटर के लॉसेस हैं, तो PG कितना है 18011.7 प्लस 200, करेक्ट। तो ये जो भी वैल्यू आता है वाट में, तो उसको हम फाइनली एफिशिएंसी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आउटपुट, आउटपुट कितना था 16084.95 डिवाइडेड बाय 18011.7 प्लस 200, करेक्ट, इनटू 100। तो ये दिस आंसर डिवाइडेड बाय 18011.7 प्लस 200, तो कितना आ जाता है, 88.32%। अगेन देखिए 90% के से कमी आता है ना, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ही फ्रिक्शन विंडेज वगैरह आता है लॉसेस, तो ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में, जैसे ट्रांसफार्मर हमेशा 94, 95, 96%, ये देखिए 88, 89, 90, 87, ऐसे ही इसका एफिशिएंसी आएगा। तो यानी कि अपना आंसर आ गया 88.32। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि टॉर्क पावर सबको मिक्स करके, लेकिन अल्टीमेटली वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, बेटर ये होता है पावर फ्लो लिख करके आप टॉर्क लिखें, फिर देखें कहाँ पे कौन सी पावर दी हुई है, उसको पावर में कन्वर्ट करते हुए चलें। ये जरूर ध्यान दें किस टॉर्क के पास स्पीड कितनी है, यानी टीजी है तो वहाँ एनएस का यूज़ करें, और बाकी टीजी के बाद, पीजी के बाद जितने भी पावर हैं, डेवलप्ड पावर हो या फिर शाफ्ट पावर हो, तो वहां पे रोटर स्पीड एन का यूज करें, ठीक है जी।